का रुख करते हैं और बात करते हैं, करोड़ों का खेल हो गया और सब निर्दोष हो गए। दरअसल भोपाल की जिला अदालत ने मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडरिंग घोटाले के 6 आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया। ईओडब्ल्यू ने इन सभी पर नामजद केस दर्ज किया था। कोर्ट ने माना कि ई टेंडर के लिए डेमो टेंडर बनाया गया था, लेकिन इन्हीं लोगों ने बनाया, अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं कर सका। ऐसे में संदेह के आधार पर इन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज संदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। ई टेंडरिंग घोटाला अप्रैल 2018 में सामने आया था, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। इस बीच 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार में ई टेंडर घोटाले की जाँच में तेजी आई। 10 अप्रैल 2019 को 7 लोगों के खिलाफ FIR हुई। घोटाला तब उजागर हुआ जब एक कंपनी के कर्ता धर्ता ने जल निगम की 3 निविदाओं को खोलते वक्त कंप्यूटर ने मैसेज डिस्प्ले किया। इससे पता चला कि निविदाओं में टैम्परिंग की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि GVPR और इंजीनियर्स और अन्य कंपनियों ने जल निगम के 3 टेंडरों में बोली की कीमत में 1,769 करोड़ का बदलाव कर दिया। ई टेंडरिंग को लेकर ईओडब्ल्यू ने कई कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे भोपाल संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, ई टेंडरिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, 3,000 का घोटाला, और कोई भी दोषी नहीं पाया गया, ये ईओडब्ल्यू कुछ भी सबूत नहीं जुटा पाई? देखिए बिल्कुल, ईओडब्ल्यू जो 2018 से लगातार चर्चाओं में बना हुआ था और इसे एक बहुत ही बड़ा घोटाला जल निगम से जुड़ा हुआ माना जा रहा था, लेकिन ऐतिहासिक इस मामले में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि सबूतों के अभाव के चलते इस मामले में कोई भी दोष नहीं बनता है और इसी के चलते सभी आरोपियों को इसमें बरी कर दिया गया है। 6 आरोपियों को कोर्ट ने इसमें बरी किया है। कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले से ईओडब्ल्यू की जो पूरी जांच है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ईओडब्ल्यू की जांच इतनी नाकाफी थी कि कोई सबूत ईओडब्ल्यू की तरफ से इस मामले में नहीं जुटाया जा सका, कोर्ट में नहीं रखा जा सका, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले की अगर बात करें तो 2018 में पूरा मामला उजागर हुआ था, जब एक कंपनी ई टेंडर भरने के लिए प्रक्रिया कर रही थी, उसी दौरान एक मैसेज कंप्यूटर पर डिस्प्ले हुआ था जिसमें यह साफ तौर पर यह देखा गया कि जो टेंडर्स है उसकी जो निविदाएं है उसमें कहीं ना कहीं टैंपरिंग हो रही है, जो उसके आंकड़े हैं उसमें छेड़छाड़ की जा रही है, और करीब 1700 करोड़ के जो टेंडर है उस दौरान उसमें घपले की ये बात सामने आई थी जिसमें टैंपरिंग की गई थी। जांच की गई तो 3000 करोड़ तक का ये घोटाला सामने आया, जिसके बाद मौजूदा जो बीजेपी सरकार है उसने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, और जब कांग्रेस सरकार आई तो उस दौरान इसमें FIR दर्ज की गई। तब से लेकर अब तक इस मामले में जांच चल रही थी। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया और सभी जो 6 आरोपी थे वो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन जो चालान पेश ईओडब्ल्यू की तरफ से किया गया था, जो तथ्य, जो सबूत ईओडब्ल्यू की तरफ से रखे गए थे, उसे कोर्ट ने नाकाफी बताया और जो आरोपी थे, 6 आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में अगर आरोपियों की बात करें तो इसमें एक आरोपी जो था वो OSG है, जल इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के, तो वहीं 5 जो आरोपी है वो कॉन्ट्रेक्टर है। बताना चाहूंगा कि जिन कंपनियों के मालिक, जिन लोगों को बरी किया गया है, इनके खिलाफ कई ने भी शिकायत की थी कि इनके द्वारा लगातार टैंपरिंग की गई है और जो टेंडर्स है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें घालमेल किया गया है। इसी को लेकर जांच की जा रही थी और अब इन 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसके की जा रही थी कि वाकई में क्या इतना बड़ा था या वाकई में इसमें कोई टैंपरिंग हुई थी, या ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईओडब्ल्यू ने जानबूझकर कोई जांच में छूट दी है, या ईओडब्ल्यू की तरफ से ईओडब्ल्यू की है अपने आप में एक बड़ी नाकामी है। कई तरह के सवाल इस मामले में उठ रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसके बाद कुछ प्रतिक्रिया और मिल रही है क्या? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब इसमें तेजी देखने को मिली थी। दरअसल ईओडब्ल्यू की बात, उसकी जांच की बात भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में की हो, लेकिन तेजी कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी। तो अब कोई और प्रतिक्रिया इसके बाद, गौरव गुप्ता आपके पास? देखिए बिल्कुल, जब इस मामले में ईओडब्ल्यू की जांच के बाद जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो कांग्रेस ने भी साफ तौर पर ये प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के चलते ही आरोपियों को बचाने की एक साजिश कांग्रेस ने बताई है, और साफ तौर पर कहा है कि जांच इस तरीके से की गई कि किसी भी तरह से
आरोपियों को सजा ना हो सके, सबूतों को बिठाने की बात कांग्रेस से की गई। तो हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि मामले को उजागर के बाद बीजेपी ने ही मामले में जांच के लिए आदेश दिए थे, अब जो जांच हुई है जांच के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिलहाल कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है विपक्ष सरकार पर और टिप्पणी करती है, तो वही मामले के बाद प्रतिक्रिया दोनों पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद यूडब्ल्यू की जांच पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं हालांकि इस बात को लेकर भी अब संशय उठ रहा है कि जो घोटाले की बात इतने लंबे समय से की जा रही थी वो आखिर कितना बड़ा था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद से इस मामले पे कई सारे पर्दे भी पड़ गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका।